हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम सा खम्मा गणे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थानी ब्लॉगर नरेंद्र राउत में। और आज से हमारे जो राजस्थान है उसमें 8th बोर्ड के जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और आज सभी भैया बहनों को हमने स्कूल में बुलाया है, और स्कूल से ही भैया बहन बस में बैठ के जाएंगे विद्यालय में, जहाँ इनका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अभी सभी भैया बहनों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है, और उनके जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे एडमिशन होते हैं तब भी तिलक वगैरह लगा के मौली बांध के और मीठा मुँह करवा के ही भेजा जाता है। तो आज देखिए विद्यालय में दीदियाँ फिर लग गई हैं, और ये देखिए यहाँ पर संडे को हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम हुए थे बच्चों के, संडे से स्टार्ट हुए थे, तो छुट्टी का दिन है। फिर भी देखिए विद्यालय के जो दीदी गुरुजी हैं सभी लोग आए हैं विद्यालय में आज, और सभी भैया बहनों का मीठा मुँह करके एग्ज़ाम सेंटर तक हम जाएंगे इनको छोड़ने। तो अभी देखिए सभी भैया बहनों का स्वागत किया जा रहा है और शुभकामनाएँ दी जा रही है कि आप अच्छे से एग्ज़ाम में जाएँ और अच्छा से पेपर अपना दें। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, एक एक भैया बहन को बुलाया जा रहा है, तिलक लगाया जा रहा है और मीठा मुँह करवाया जा रहा है, और मौली भी बांधी जा रही है। तो ये देखिए भाई जी वगैरह सभी लोग आए थे, हम सब लोग गए थे क्योंकि हमें भैया बहनों को विद्यालय तक छोड़ के आना था। और हमारे नहीं, हमारे यहाँ पर जितने भी विद्या भारती संस्थान के जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में जो गुरुजन और दीदियाँ जो भी हैं, सब लोग एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाते हैं और सभी भैया बहनों को मीठा मुँह करवा के तिलक लगा के शुभकामनाएँ देते हैं, बेस्ट विशेष देते हैं। तो देखिए अभी सभी भैया बहनों को शुभकामनाएँ दी जा रही हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा सा बच्चे बना रहे थे वीडियो, इस कारण थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है। बाकी यहाँ पर देखिए अब बहनों का नंबर आ चुका है सभी के जो तिलक वगैरह लगा दिया गया है, और अब भैयाओं का नंबर। तो एक एक भैया आ रहे हैं विद्यालय के, सभी भैया जो 8th क्लास में पढ़ते हैं सभी को बुलाया जा रहा है, और तिलक और जैसा मैंने बताया आपको वैसे ही स्वागत करके इनको। और देखिए भैया बहन भी सब प्रणाम कर रहे हैं, ये देखिए ये हमारे विद्यालय के संस्कार, सभी भैया बहन आते और जाते हमें ऐसे ही प्रणाम करते हैं, और जो बहनें होती हैं वो हाथ जोड़ के करती हैं, और जो भैया लोग होते हैं वो ऐसे ही चरण स्पर्श करके अपने गुरुजन के और आते और जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए तिलक लगाया जा रहा है।